नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 22 अगस्त 2021 है। 22 अगस्त 2021 की बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें क्या है? आज रक्षाबंधन है। द न्यूज 9X की टीम की ओर से तमाम भाई बहनों को शुभकामनाएं। अब चलिए चलते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश पुलिस में जॉब दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले दो शातिरों को मध्य प्रदेश पुलिस ने बिहार के पूर्णिया शहर से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों में एक पटना के तो दूसरा मधुबनी के बताए जाते हैं। ये लोग पुलिस में नौकरी के साथ साथ मेडिकल में नामांकन कराने के लिए दर्जनों लोगों से लाखों रुपये ठगी कर फरार हो गए थे। आपको बता दें कि कुछ इसी तरह का गिरोह पूर्णिया में सक्रिय हुआ है, जो मेडिकल विभाग में नौकरी दिलाने का सब्ज बाग दिखाकर गांव घर के युवाओं को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार के पूर्णिया में पूर्णिया से किशनगंज जा रही एक बस में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस घटना में बस पर सवार सभी यात्रियों को बचा लिया गया। बस धो धो कर जल गई, यात्रियों के सामान भी खाक हो गए। यह घटना खुशकीबाग फ्लाई ओवर ब्रिज पर घटी। आग पर काबू दमकल आने के बाद पाया जा सका। इस दौरान करीब 2 घंटे तक जाम का नजारा रहा। लोगों में काफी अफरा तफरी मची रही। सीवान जिले के बालाकोठी गांव में बिजली के करंट की चपेट में आने से एक साथ माँ और बेटे की मौत हो गई। हुआ यूं कि रात का खाना खाकर माँ बेटा एक घर में सो रहे थे, अचानक बिजली का वोल्टेज हाई हो गया। ऐसे में बिजली का तार पिघलकर दोनों माँ बेटे के ऊपर गिर गया। दोनों की तत्क्षण ही मौत हो गई। इस घटना से पूरे गाँव में कोहराम सा मच गया। बिजली के करंट से झुलसकर मरने वाली एक घटना गोपालगंज में घटी है। वहां मटिहानी गांव में दुकान खोलने के दौरान दिनेश शर्मा नामक दुकानदार झुलस गया, क्योंकि दुकान के शटर में ही बिजली करंट था। उसी करंट की चपेट में दिनेश आ गया। इधर बिहार के वैशाली में हाजीपुर मुजफ्फरपुर रोड पर एक ट्रक की चपेट में मां बेटी को जबरदस्त ठोकर लग गई। इस घटना में पुत्री की मौत हो गई और माँ गंभीर रूप से घायल है। बिहार सरकार के उस फरमान पर बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ खफा है, जिसमें कहा गया है कि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक और प्रारंभिक स्कूलों में प्रधान शिक्षक के पद पर बीपीएससी से बहाली होगी। इस संबंध में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के पूर्णिया जिलाध्यक्ष पवन कुमार जायसवाल ने कहा कि स्कूलों में पूर्व से कार्यरत शिक्षकों के साथ यह हकमारी है, पहले से प्रोन्नति का प्रावधान है, वही प्रावधान लागू रहना चाहिए। अररिया में लगातार बारिश से शहर की सड़कों पर जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। इससे आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बेगूसराय के बरौनी थाना क्षेत्र में बिजली के करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम दिलीप कुमार बताया गया, वह बिजली तार ठीक कर रहा था। हार्डवेयर व्यवसायी के घर चोरी करने घुसे 4 युवकों में एक को लोगों ने पकड़कर जमकर धुनाई कर दी। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। यह घटना किशनगंज जिले के दिलावरगंज की है। पटना के मनेर में मुखिया आशा देवी के पति राजकुमार साह को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना को स्थानीय लोग पंचायत चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। पूर्णिया के महथौर गांव में बेटा बेटी और बहू ने मिलकर अपने ही सगे पिता की गला दबाकर हत्या कर दी और लाश जलावन के घर में दफना दिया। मामला जमीन विवाद को लेकर घटी बताई जा रही है। पाकिस्तान के अलग अलग जेल में कुल 83 भारतीय सैनिक बंद हैं। इस बात का खुलासा विदेश मंत्रालय के एक लेटर से हुआ है। बिहार के एक एडवोकेट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अपील दायर की थी। अररिया में एक मजदूर ने अपने साथी मजदूर की हत्या सिर्फ 300 रुपये के लिए कर दी। यह घटना कुसाकाटा क्षेत्र की बताई जा रही है। बांका में महिला पुलिस आवास में आग लग गई। इस घटना में एक इंसास, एक SLR राइफल तथा 110 कारतूस जल गया। इसके अलावा 6 मैगजीन और 10,000 रुपये भी जले हैं। वाकिया बौसित थाना क्षेत्र की है। बांका में महिला पुलिस आवास में आग लग गई। इस घटना में एक इंसास और एक SLR राइफल तथा 110 कारतूस जल गया। इसके अलावा 6 मैगजीन और 10,000 रुपये भी जले हैं। वाकिया बौसित थाना का है। अररिया 0 माइल 4 लेन पर एक ऑटो व बाइक की टक्कर में बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक अररिया के ही नंदनपुर के परमानंद यादव का पुत्र था। वह ससुराल से घर आ रहा था। उत्तर प्रदेश के पूर्व CM कल्याण सिंह का आकस्मिक निधन हो गया। उनके निधन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल फागू चौहान ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त किया है। एक बाइक पर सवार 4 युवकों की बाइक खड़ी ट्रक से टकरा गई। इस घटना में 3 की मौत हो गई। तीनों आपस में सहोदर भाई थे।
बाइक फुल स्पीड में थी। चौथा युवक भी गंभीर रूप से घायल है। कटिहार जिले के सिकट गांव में एक व्यक्ति के घर में घुसकर कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी, जिसमें नीतीश कुमार नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वह KMCH में भर्ती है। कटिहार जिले के बेहराखोर गांव में एक व्यक्ति के घर में आग लग गई। इस घटना में 11 मवेशी जल गए, लाखों की संपत्ति भी राख हो गए हैं। बाढ़ के डुमरिया गांव में अगवा उदय महतो को पुलिस की दबिश से भयभीत होकर मुक्त कर दिया गया। बताया गया कि यह घटना जमीन विवाद के कारण घटी है। पटना में मेट्रो के डिपो के लिए 75 एकड़ जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव है। ये जमीन पहाड़ी मौजा और रानीपुर मौजा से अधिग्रहण किया जाएगा। बिहार में बाढ़ के हालात सुधर गए हैं। अधिकांश नदियों का जलस्तर गिर रहा है। अब सड़कों को मरम्मत भी किया जाने लगा है। अब जानते हैं आज के मौसम के बारे में। बिहार में 24 अगस्त तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर बिहार के 19 जिलों में अधिक बारिश होने की संभावना है। दक्षिण बिहार के 19 जिलों में अपेक्षाकृत कम वर्षा होगी। इन जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया। अगर चेतावनी के अनुसार वर्षा होती है तो लौटती बाढ़ एक बार फिर रंगत दिखा सकता है। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज 9X सब्सक्राइब करें।